को यहाँ पे छोई छोई कर ले मम्मा के पास। मेरा राजकुमार स्लो हो गया, बहुत बहुत स्लो हो गया। कई बार वरिड भी हो जाती हूँ इसके लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, दिन भर दिन देख रही हूँ कि ये स्लो हो रहा है, जबकि हम लोग सब मल्टीविटामिन्स वगैरह सब देते हैं इसको, लेकिन विद हिज एज ये थोड़ा सा मेरे को पता लगता है कि ये स्लो हो गया, दिख रहा है। ज्यादा रेस्ट करता है, ज्यादा सोता है, मतलब मे बी एक एज के बाद ऐसा होता है, खेलता नहीं है ये। लोग बहुत पूछते हैं कि अरे कोको के साथ क्यों नहीं खेलते हो, ये खेलता नहीं है। मतलब जैसे पहले ये होता था ना कि ये खेलता था, ये थोड़ा बहुत तो खेलता था, मेरी सॉक्स के साथ खेलता था या थोड़ा सा टॉयज वॉयज के साथ खेलता था। अब ये बिल्कुल नहीं करता, अभी शांत हो गया। अनलाइक चेरी एंड कैंडी, ये अब खेलना पसंद नहीं करता, ये ऐसा आराम से मेरे पास बैठना पसंद करता है। तो मैं ज्यादातर इसको गोद में लेकर बैठती हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, या मेरे पास ऐसे ही बैठा रहता है जैसे कि अभी बैठा है। सोया नहीं हुआ ये, छोया नहीं हुआ ये अच्छे बैठा है बच, ये मम्मा का बेटा अच्छा बैठा है बच मम्मा के पास। और ये वीक भी नहीं हुआ, जैसे सब लोगों को लगता है ना ये वीक हो गया है, बाल छिलवा दिए ना तो आपको असली इसकी वो पता लग रही है, और कुछ नहीं है, वीक नहीं हुआ ये, अच्छा ही था ये हमेशा से। जितना खाना खाना होता है मैं खाना बराबर खाता हूँ, मम्मा को तंग नहीं करता है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मेरी जूम कॉल खत्म हो गई है, अब शुरू होने जा रहा है मेरा राइटिंग सेशन, और मेरी बीवी यहाँ पड़ी हुई है, वॉकिंग डेड देख रही है, ज़ॉम्बीज़ को देख रही है।